बस एक हाँ के इंतजार में रात यूं ही गुजर जाएगी। अब तो बस उलझन है साथ मेरे, नींद कहाँ आएगी? सुबह की किरण न जाने कौन सा संदेश लाएगी, रिमझिम सी गुनगुनाएगी या प्यास अधूरी रह जाएगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेडिव एसआर। और आज हमें और एक नया जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जैसे आज हमारा एक कोई प्लान था नहीं, तो हमारे धनराज भाई ने हमें कॉल किया और बोलते कि चलो कहीं चलते हैं। तो धनराज भाई डिसाइड किए हैं कि आज कहाँ चलना है वही जानते हैं, मुझे तो पता भी नहीं कहाँ जा रहे हम। तो धनराज भाई बताएंगे आज हम कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे भाई? आज हम जाने वाले हैं झिरी लेक। कहाँ पर है ये? आपका है रातू साइड, ये रातू पंडरा साइड में पड़ता है। तो चलिए चलते हैं उस जगह पे, देखते हैं क्या है, फिर आप कुछ बताते हैं। और आप हमारे वीडियो में ऐसे बने रहें, तो हम मिलते हैं वीडियो के एंड में। दला दली चौक पहुंचे हैं, आप इसे देख रहे हैं। गाड़ी में हवा लेना था तो धनराज भाई हवा ले रहे हैं, और हम लोग अब इस रास्ते को पकड़ के पहुंचेंगे झिरी लेक। तो आप हमारे वीडियो में यूं ही बने रहे। कितना दूर है? उधर से यहाँ नीचे से जाएंगे, उधर से उधर। ठीक है भैया, झिरी लेक किधर है? झिरी लेक, झिरी लेक उधर है पीछे में। मंदिर था? नहीं नहीं, बहुत पहले होगा, उससे पहले पहले नहीं देखे थे हम, एक रास्ता कट रहा था। कचरा जहाँ डंपिंग यार्ड आपको मिलेगा, ठीक पहले देखिएगा 100 मीटर पहले बायां साइड एक, मतलब वही लाइन में ना, बायां साइड एक कच्चा रास्ता गया हुआ है। ठीक ना? ठीक है भैया, वही रहा। झिरी लेक, झिरी लेक, झिरी लेक, झिरी लेक किधर है?
Take the next left, then continue straight. भैया जीरेले किधर है? जीरेले कहाँ पड़ेगा भैया? हाँ? Take the next left, then turn left. हाँ, पुल पार कर गया? जीरेले पुल के नीचे जीरेले हाँ, जहाँ पानी जमता है, जहाँ जमा जेरी एरिया हुआ और एक तो लेक है जहाँ पानी जमता है, जमा हुआ तालाब है, तालाब टाइप का है, वो नहीं पता, नहीं कहीं हम लोग वहाँ गए, फिर वहाँ से हम लोग उधर गए थे। भैया ये झीरी लेक कहाँ पे है? झीरी लेक जहाँ पे तालाब है, चट्टान के बीच में, झीरी लेक इधर ही है क्या? Take the next right, then turn left. बहुत जबरदस्त भागा भाई तुम। भैया झीरी लेक कहाँ पे है? इधर से। ठीक है, थैंक यू भैया। हेलो दोस्तों, फाइनली हम झीरी लेक पहुंच गए हैं। बहुत ही परेशानी हुई, जैसे आप लोग वीडियो में देख चुके हैं, कितने लोगों से पूछे, एक ही जगह को हम लोग बार बार घूम रहे थे, तब जाके हम लोग फाइनली झीरी लेक पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं, इस तरह से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस जगह पानी कम है और मैं आपको आगे दिखाता हूँ इस जगह पर। ये देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। ये पानी बहुत ही गहरा है यहाँ का और यहाँ पर लोग नहाते हुए, यहाँ पर जो तैरना जानता है वो नहाते हैं, और यहाँ पे यहाँ के लोग बताए हैं कि यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे डूब के मर चुके हैं। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए तो कृपया नहाने की मकसद से ना आए, अपना घूमे फिरे और यहाँ से निकल जाए। दोस्तों, हमें यहाँ के एक लोकल भैया मिले हैं, चलिए हम उनसे बात करते हैं और यहाँ के बारे में और जानकारी लेते हैं। क्या गोताखोर से निकालना पड़ता है? गिरने के बाद कोई पब्लिक ऐसे निकाल नहीं सकता है, गोताखोर को बुलाना पड़ता है। तो आपको हुआ है कि नहीं अभी तक? 12 को हो गया, तो 12 लोग। कौन जाके दिशा? अभी हाल फिलहाल में कोई हाल फिलहाल में नहीं हुआ है। जहाँ नहा लोग नहीं, जहाँ तक आता है लोकल नहीं होता है। हाँ, लोकल कैसे होगा, लोकल लोग जानता ही आइडिया है। आप भी लोकल ही भैया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजय गाड़ी। अजय गाड़ी, हम लोग सब खेती बाड़ी इधर है, तो हम लोग तो इंडिया है ना, कितना गधा है, आता है गंगा में पीता है, कुछ देता है, माँ बाप अगर होता है। फिलहाल में तो वो दो लड़का लोग उसका बगल में गिरा, तीन को लड़का था, लड़का लोग सीधा आगे तरफ, तो गड़िया गाड़ी घुसता था ना, तो वहीं से बना था रोड। अच्छा, उस टाइम जिससे घुसा ना गड़िया, उसके बाद चल गया रोड बनाल था। वो लड़का लोग गंजा उंजा पिया, वहाँ उतरा बेटा, एगो मतल था, घुसा घुस गया भीतर, चल गया। ये लड़की लोग के लिए सेफ है? सेफ नहीं है, फिर भी आ जाता है लोकल लड़का लोग, लोकल गांव वाला इंसान से बहुत गुस्साता है, बहुत गलत करता है ना, घूमने नहीं आता है लोग। अच्छा, धनराज भाई कुछ बोलेंगे इस जगह के बारे? यहाँ आप लोग अपने फ्रेंड के साथ आ सकते हैं एंजॉय करने के लिए, और फोटो शूट के लिए बहुत ही प्यारा प्लेस है। आप चारों तरफ तो देखे ही होंगे किस तरह चट्टान घेरा हुआ है, और पानी भी काफ़ी डीप है, और पानी का रंग भी काफ़ी साफ और काफ़ी सुंदर। आइए आप लोग फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ये रांची से बहुत ही नज़दीक है और काफ़ी अच्छा प्लेस है, आइए, बिल्कुल आइए आप लोग। यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये पत्थर है और ये पानी है, बस इसकी खूबसूरती यही है जिसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप थोड़ा माइंड को शांत कर सकते हैं, यहाँ पर आके काफ़ी शांत एरिया है यहाँ का माहौल, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ। और फैमिली के लिए तो ये जगह नहीं है, क्योंकि जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई यहाँ तक पहुँचने में, एक ही जगह हम बार बार गोल गोल घूम रहे थे,
इसलिए आप लोग आए तो बढ़िया से आए और यहाँ से बढ़िया से घूम फिर के जाए। ऐसे बात करो अपना नॉर्मली। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम एक नए जगह को एक्सप्लोर करते हुए। हमें यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। बहुत जल्द हम अब 500 की फैमिली होने वाले हैं, तो इसी तरह से प्यार बनाए रखें। थैंक यू दोस्तों, बाय। दोस्तों जैसे कि हम लोग आज झिरी लेके आए हैं, हमें काफ़ी कंफ्यूजन हुआ। कभी हम आगे चल जा रहे थे, कभी हम पीछे चल जा रहे थे। अगर आप झिरी लेक से आएंगे इस साइड से, ये अगर आप दलादली चौक से आएंगे, तो ये दलादली से आप इधर इधर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे यहाँ तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पे आपको एक तिरंगा सीमेंट क्या है आर्टिकल, तिरंगा सीमेंट आर्टिकल का एक बोर्ड मिलेगा आपको। वही रोड पकड़ना है, मैं आपको आगे ले जाके दिखाता हूँ। ये रोड है, जैसे कि मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तिरंगा सीमेंट आर्टिकल, ठीक है। यहाँ से आपको इस रोड से आपको इधर की तरफ अंदर की तरफ घुस जाना है, और अंदर जाके अगर आप थोड़ा कन्फ्यूजन होंगे तो आप किसी से पूछ सकते हैं।